नमस्कार, इंडिया डिबेट के स्पेशल एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत सारे हमारे एसएसआर वॉरियर पिछले कई दिनों से लगातार हमें संदेश भेज रहे थे, हमसे जानना चाहते थे कि एसएसआर और दिशा सालियान के केस में प्रगति क्या है, अपडेट क्या है। मित्रों, अपडेट ये है कि एसआईटी वॉलीबॉल खेल रही है। एसआईटी का वो सोमवार कभी नहीं आया। हम आज सोमवार के दिन आपसे लाइव मुखातिब इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम इस लाइव के जरिए ये कोशिश कर रहे हैं बताने की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम को कि आप कहां सो गए हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई कहां सोई हुई है। जिस तरीके से नवंबर में पीआईएल फाइल होने के बाद आदित्य ठाकरे का हाईकोर्ट में इंटरवेंशन लगा कि मुझे भी सुनिए माय लॉर्ड, उसके बाद से ऐसा लगा था कि शायद सीबीआई एक्शन में आई है, सीबीआई काम भी कर रही है। लेकिन पहले यह कहा गया कि दशहरे के बाद होगी, दीपावली के बाद गिरफ्तारी होगी। दशहरा खत्म हो गया, दीपावली खत्म हो गया, उसके बाद यह कहा गया कि भाई 25 दिसंबर का जो क्रिसमस का त्योहार है उसकी व्यस्तता है, कुछ इलाकों में ठंड चल रहा है, इसकी वजह से कुछ छुट्टियां पड़ रही हैं, इस वजह से हो रही है। फिर यह कहा गया कि राजनीतिक हलकों में जो हलचल है उसको एक बार सेटल डाउन करने के बाद किया जाएगा। जी, मैं बात कर रहा हूं बिहार के राजनीतिक हलकों की। बिहार में राजनीति की गहमा गहमी थी। मैं अपने एसएसआर वॉरियर जो भी आप मुझे लाइव देख रहे हैं वो अभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमने लिंक दिया हुआ है। अभी 8 बजे हमारा ये लाइव शुरू हुआ है, आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं हम लोग आज मिल करके कोशिश करते हैं उस सवाल को हल करने की। आपके पास अगर कुछ भी सूचना है तो आप हमें बताइए। हालांकि शॉर्ट नोटिस में हम ये लाइव पे आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जो दर्शक आज देख रहे होंगे वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। प्रणब जुड़ गए हैं हमारे साथ, एसआईटी ऑफिसर्स, सीबीआई ऑफिसर्स अगर ऑनेस्ट नहीं तो उन पर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रणब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एसआईटी और सीबीआई के ऑफिसर अगर धूर्तता कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अब और अधिक इंतजार करने के मूड में एसएसआर वॉरियर पूरे दुनिया में नहीं है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।